मुनावर फारूखी, जिगना, रिंकू, मनारा, पूरे सब लोग मिलके जो है दिल वालों के ऊपर भड़कना उन्होंने शुरू कर दिया है। और भड़कने का कारण भी बहुत सही है, क्योंकि दिल वाले जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उस तरीके से ऐसा लगता है कि भाई इनको चौकीदार बन के जो है बैठना पड़ेगा, इनको एक ही जगह पर बैठना पड़ेगा कि जहाँ पर इनका सामान है। पर यहाँ पर अंकिता का भी कहना ये है, तो चौकीदार बन के बैठो और क्या है, क्योंकि आप लोगों को तो चौकीदार बनना पड़ेगा, आपका सामान है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो कौन ध्यान रखेगा। क्या हुआ है एक्चुअली में, दिमाग वालों की चाय पत्ती जो है पूरी चुरा ली गई है, और पूरी की पूरी चुरा ली गई है, और चाय पत्ती अभी दिल वालों के पास है। तो दिल वालों के पास चाय पत्ती कहां से आई, तो यहां पर मुनावर फारूखी ने बोला कि भाई कहां से आई तुम्हारे पास चाय पत्ती, और काफी ज्यादा जो है इनके ऊपर भड़क रहे हैं कि तुम लोग ऐसा सब चीजें करते हो। जिगना बहुत ज्यादा भड़की, रिंकू बहुत ज्यादा भड़की, मनारा बहुत ज्यादा भड़की, और ये लोग चुप है, ये लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। विकी बोल रहे ठीक है यार ब्रेकफास्ट बना दो, हम सॉर्ट करते हैं। आप देखो अच्छाई, मुनावर और मुनावर की पूरी टीम की अच्छाई देखो आप, कि उनके घर से चाय पत्ती का पूरा पैकेट गायब हो चुका है और दिल वालों के पास है चाय पत्ती, फिर भी इन लोगों ने जो है दिल वालों के ऊपर जो है उस टाइमिंग पे भड़कना नहीं शुरू किया जिस टाइमिंग पे उनका ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम है। वो लोग वहां से निकल गए और फिर भी जो है इतना ज्यादा भड़क रही है अंकिता लोखंडे कि ये लोग अगर ध्यान ही रखेंगे अपनी चीज़ों का, अगर चौकीदार नहीं बनेंगे तो और क्या होगा। वहाँ पर ईशा सब चीज़ें उठा के जा रही थी, मनारा ने देखा, मनारा वहाँ पर क्यों नहीं बोली, वो तो देखती रही। तो वहाँ पर विक्की भी जो है अंकिता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़कता है कि भाई चुप रह, नाम लेके बात मत कर, चुप रह, क्योंकि वहीं पर जो है खानजादी खड़ी थी और खानजादी ये पूरी बिचिंग जो है वो सुन रही थी। पर फिर भी अंकिता को ये चीज़ समझ नहीं आई। अभी देखते हैं कि इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आखिरकार घर में कौन सा बड़ा तांडव होता है दिमाग और दिल वालों के बीच में। पर विक्की का कहना यह है कि हम बोलेंगे कि हमें जो है दो दो बार चाय पत्ती आ गई, इसीलिए हमारे पास ज्यादा चाय पत्ती है। बताओ भाई दिमाग, मतलब ये दिल वाले दिमाग चला रहे हैं। अभी आपका क्या कहना है, इसी के साथ मैं लेती हूं साथ, नमस्कार।